स्टूडेंट आई होप यू आर ऑल सेफ एट योर होम एंड योर वॉचिंग दीडियोज केयरफुली एंड लर्निंग प्रॉपरली टुडे आई विल एक्सप्लेन योर चैप्टर सिक्स प्रोनाउन सर्वनाम डेफिनेशन इज द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्व नाम कहलाते हैं कम टू द चैप्टर रीड एलोंग दिस इज एली एली इज ए बॉय एली इज़ हेल्पफुल

आई यूज इन द्लेस ऑफ़ प्लूरल नाउन यू कैन बी यूज इन द्लेस ऑफ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन यू हम दोनों में यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन में भी प्लूरल नाउन में भी एग्जाम्पल देखिए दिस इज़ अमित ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड यह अमित है वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है तो बेटा ही क्या है यहाँ पर प्रो दिस इज़ डॉक्टर आशा शी इज़ माई मदर यह डॉक्टर आशा हैं है, वह मेरी माँ हैं तो बेटा शी क्या है यहाँ पर प्रोनाउन दिस इज माई टॉय डॉग इट हैज़ ब्लैक स्पॉट्स यह मेरा टॉय डॉग है इसके काले धब्बे हैं तो बेटा यहाँ पर हमने यहाँ सिंगुलर नाउन की बात हो रही है तो इसलिए हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे इट इट क्या है बेटा सिंगुलर नाउन कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया यहाँ पर हमने इट दीज आर दी सॉरी दीज आर रे एंड अन्या दे आर माई चिल्ड्रन ये रे एंड आन्या है ये मेरे बच्चे हैं यहाँ पर यहाँ पर किसकी बात हो रही है प्रूरल नाउन की सो so, इसलिए दे क्या है प्रूरल नाउन है तो हमने कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया यहाँ पर दे वी आर गोइंग टू स्कूल टुगेदर हम साथ में स्कूल जा रहे हैं वी क्या बेटा प्रोनाउन यू हैव ए प्रीटी डॉल आपके पास एक बहुत अच्छी डॉल है रजत लाइक्स केक दिस इज़ फॉर हिम रजत को केक पसंद है यह उसके लिए है आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड मुझे अपने दोस्त का इंतज़ार है तो बेटा यहाँ हाईलाइटेड वर्ड्स जो थे सारे वो क्या थे प्रोनाउन थे डिड यू पिक योर टॉयज क्या तुमने अपने टॉयज़ उठाए यस मदर आई हैव पिक दैम यस yes, मदर मैंने उन्हें उठाया है आई हैव मैनी टॉयज़ विल यू प्ले विद मी मेरे पास बहुत सारे टॉयज हैं क्या तुम मेरे साथ खेलोगे तो बेटा यहाँ पर यू एंड मी क्या है प्रोनाउन। नाउन जैनी इज माई फ्रेंड आई एम वेविंग टू हर जैनी मेरा दोस्त है मैं उसे आ रहा हूँ वी आर गोइंग दी सेम वे यू कैन कम विद मी हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं आप मेरे साथ आ सकते हो तो बेटा वी यू एंड मी क्या है यहाँ पर प्रोनाउन है हाईलाइटिड वर्ड्स क्या है यहाँ पर प्रोनाउन यू फॉरगेट योर लंच आई विल शेयर माइंड विद यू तुम अपना लंच भूल जाओ मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा हेयर ऑल द हाईलाइट वर्ड्स आर प्रोनाउन द प्रोनाउंस डेट कम एट द बिगनिंग ऑफ ए सेंटेंस आर कॉल्ड दी सब्जेक्ट प्रोनाउन जो प्रोनाउंस सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं आई शी ही इट दे वी एंड यू आर सब्जेक्ट प्रोनाउन द प्रोनाउन डेट कम एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस आर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो प्रोनाउन सेंटेंस के लास्ट में आते हैं वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं अस हिम हर देम यू एंड मी आर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर थैंक यू हैव अ गुड डे